पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी वेव सिटी सोसाइटी के लोगों ने इस बार महापौर चुनाव का बहिष्कार करने का मैसेज देते हुए कॉलोनी के मेन गेट पर ही दो बड़े बैनर लगा दिए हैं। कॉलोनी के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लोग लंबे समय से आवारा कुत्तों से परेशान हैं। इन कुत्तों ने कॉलोनी के बच्चों और बड़ों पर जानलेवा हमले कर दिए। इन हमलों की शिकायत भी लोग नगर निगम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा सका। अब तो इन्होंने घरों में घुसकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। आखिरकार अब महापौर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने कॉलोनी के मेन गेट पर ही चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा दिए और किसी भी प्रत्याशी के सोसाइटी में घुसने पर पाबंदी भी लगा दी है। यहाँ पर 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिन्होंने एक साथ नोटा का बटन दबाने का निर्णय लिया है। वैसे ये सारी हमारी सोसाइटी की समस्या है। हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से कुत्तों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। इतना कुत्ता है, बच्चों को ना खेल सकते, ना कहीं जा सकते, ना आ सकते। छोटी छोटी दूर पे अगर उन्हें 10 घर दूर जाना है, आप सोचिए, मैं अपना ऑफिस से उठ के आता हूँ, अपने बेटे को अगर ट्यूशन छोड़ना, 10 घर बाद ही घर में वो ट्यूशन पढ़ता है, मैं उसे छोड़ने आता हूँ, वहाँ से लेने आता हूँ। इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो सीधा 10 घर दूर भी पैदल जा सके बच्चा। 100 परिवार की कॉलोनी में कम से कम 100 के लगभग कुत्ता है। 100 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, इतना सारा कुत्ता है, इतना ज़्यादा अटैकिंग है वो, आप समझिए। यहाँ जैसे जोमेटो स्विगी इनके फूड राइडर आते हैं, रोज इनको गिरा देते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यहाँ बंदर को फाड़ दिया इन्होंने, अमर उजाला ने कवरेज करी थी उस समय। तो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब, बाली साहब, सिक्का साहब, इन लोगों ने बड़े प्रयास भी करे कि किसी तरीके से इससे मुक्ति मिल जाए, लेकिन कोई भी हमें किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल पाया, या किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से सहयोग नहीं कर पाया। तो क्या करें भाई साहब, कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही, इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मतलब सोसाइटी पैसा भी खर्चने को तैयार है कि कोई ऐसे रास्ता हो जाए, किसी से पैसे खर्च होकर किसी तरीके से हो जाए, लेकिन किस तरीके से मुक्त हों, कहाँ जाएँ। ये सब आवारा कुत्ते हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है डे बाई डे। आप सोचिए, हमारी समस्या 1.5-2 साल पुरानी है। आप देख रहे होंगे इसमें पीछे अखबार की कटिंग्स लगी हुई हैं, कॉलोनी में किस किस तरीके से इन्होंने अटैक करा है, कैसे कैसे करा है। मेरे संग तो व्यक्तिगत तौर पे भी मेरे बच्चे के ऊपर अटैक कर चुके हैं। कोई डिमांड नहीं है भाई साहब हमारा, तो हम तो चाहते हैं माननीय मेयर साहब या सब लोग जो भी इसमें हमारा सहयोग कर सके और इस समस्या से हमें निजात दिला दे, और कोई बात नहीं है। इसीलिए सारी सोसाइटी ने निर्णय करा कि क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। तो यही एक निर्णय करा कि भाई हम अपनी बात किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे या अधिकारियों पे पहुंचाएं अपनी बात। नहीं, नोटा का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव होना है और चुनाव है सामने। चुनाव है तो भाई साहब एक चीज़ बताइए, हम जनप्रतिनिधि को या लोगों को अपने दिल की बात, अपनी परेशानियों की बात नहीं कहें तो कैसे चलेगा, बताइए क्या करेंगे। बस कुछ नहीं भाई, तो यही चुनाव का बहिष्कार करने का सोसाइटी ने निर्णय लिया है कि भाई हम इस चुनाव में हम हरी समस्या का अगर हमें लिखित आश्वासन मिलता है या कोई ऐसा तरीका मिलता है तब हम इस चीज के ऊपर विचार करें। समस्या बताई थी अभी मैंने, कोई यहाँ पे 100 परिवार अगर रहता है तो 100 के लगभग कुत्ता है। अब आप अंदाजा लगाए, जिस कॉलोनी छोटी सी कॉलोनी में 100 कुत्ता के लगभग होगा तो उसको उसमें अच्छे सही भी होंगे और खुद खतरनाक भी होंगे, खूंखार भी होंगे। हमें खतरा से ज़्यादातर खूंखार कुत्तों से बहुत ज़्यादा है, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो किस पे अटैक कर दें, बच्चे पे क्या, बड़े पे क्या, बूढ़े पे क्या, हर किसी को भी नहीं छोड़ सकते। अभी पिछले दिनों आपको यह न्यूज़ की कटिंग भी लगी हुई है जिसमें बंदर को उन्होंने चीड़ फाड़ दिया, यहाँ पे बंदर का सत्यान खतर मार डाला उसे बिल्कुल। तो इस चीज़ से हम लोगों को डर है, उसी का निजात चाहते हैं, उसी का हम कोई सॉल्यूशन चाहते हैं। निकाय चुनाव के लिए कम सोसाइटी ने तो निर्णय लिया सर, नोटा का निर्णय लिया है, और अगर आश्वासन मिल जाता तो उस पर फिर विचार करा जाएगा नोटा को कैंसिल करने के लिए। मेयर साहब से भी मुलाकात हो चुकी है सर, जो पुराने पार्षद है उनको भी उन्होंने 2 बार गाड़ियाँ भेजी थी यहाँ पे इनको कैच करने के लिए, लेकिन वो जो जब पकड़ते थे ना कुत्ते को, 2 कुत्ते मुश्किल से हाथ में आते थे, बाकी सारे कुत्ते भाग जाते थे, फिर नहीं आते, फॉर्मेलिटी हाली कर पूरी करके गए बस, और कुछ नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।